आपको प्ले करें। सारा दिन घर में एक बच्चे को एंगेज करना बहुत मुश्किल है। अब जितनी एनर्जी वेदांत में है उतनी एनर्जी मुझ में होना तो मुश्किल ही है। मैं वेदांत के लिए ऐसा सेट ऑफ वीडियोस देख रही थी जहां से वेदांत शांत रहना सीखे और मस्ती भी करे और मुझे मॉम गिल्ट भी कम हो अबाउट द स्क्रीन टाइम। फिर मुझे यूट्यूब पर सेसेमी वर्कशॉप इंडिया का एक चैनल मिला। इसके वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हैं और करेक्टर्स भी बहुत मजेदार हैं और सबसे अच्छी बात कि वीडियोस का लेंथ बहुत ठीक है, ना ही बहुत लंबा है कि बच्चा हर टाइम स्क्रीन के आगे ही बैठा रहे और ना ही बहुत छोटा है कि बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए। मैं बहुत खुश थी जब मैंने वेदांत को इस चैनल के बारे में बताया कि वेदांत अपने एज के अकॉर्डिंग चीजें देखेगा भी और चीजें सीखेगा भी। वीडियो में जब चुलबुले एल्मो, चमकी, कुकी मॉन्स्टर टाइप के करेक्टर्स पेशेंस की बातें करते हैं तब वेदांत बहुत ध्यान से सुनता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी मपेट बन जाऊँ ताकि मेरी बातें भी ना टाले। एक दिन जब मैं गुस्सा हो रही थी तो मुझे बोला, एक दिन एल्मो अपने पापा के साथ यही कर रहा था। वेदांत ने बहुत जल्दी कैच कर लिया कि कैसे गुस्से को शांत करते हैं। एज अ पेरेंट मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेदांत के साथ ये वीडियोस देखना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे मैं एज के अकॉर्डिंग वेदांत को ये कॉम्प्लेक्स सी चीजें इजीली समझा सकती हूँ, कैसे उसकी फीलिंग्स को, उसके चिड़चिड़ेपन को इजीली हैंडल कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी चॉकलेट और टॉय का लालच दिए बिना। वेदांत अब बड़ा हो रहा है, वेदांत के साथ मैं भी ग्रो कर रही हूँ एज अ मदर। मैं और वेदांत साथ में मिलकर कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं ना तो वो कोई सिखाने आता है और ना ही वो किसी किताबों में है। YouTube के सेसेमी वर्कशॉप इंडिया के साथ मेरा भी एजुकेशन हो रहा है एज अ मदर। तो आप भी देखिए और मुझे बताइए कि आपने इस चैनल से क्या न्यू सीखा।